क्या है सिर्फ मौका, जिसका हम सबको था भरोसा, एक ही मकसद एक इरादा, इंडिया तुझे है साथ हमारा। ये टूर्नामेंट की चिट्ठियां उठाले जा रहे हैं दीपल सीजन 3 के। तैयारी सारी जीते तैयार, करी है MS धोनी के खिलाड़ी, अब है हमारी पारी, हो जा दुश्मन पे भारी, इंडिया की ताकत क्या है देखेगी अब दुनिया सारी। आगे आगे बढ़ो इंडिया की तरह, हिम्मत रखो तेरी आग लगा, तेरे जैसे दुनिया में खिलाड़ी है रमीदा, होगा कहां तेरे जिंदगी का। फर्स्ट मैच जोहा 11 और किंग्स 11 और सेकेंड मैच जो है शिमला 11 और MJCC के बीच होगा, और थर्ड मैच जो होगा गुलबर्गा लॉयंस और जावेद अन्ना ICC, और फोर्थ मैच होगा सैमा 11 और तैयबा 11। ये मैचेस है, 4 मैचेस खिलाए जाएंगे आज के दिन। यहाँ पर टॉस होने जा रहा है जोहा 11 और किंग्स 11 के बीच, दोनों कप्तान मौजूद है, यहाँ पर पूरे चीफ गेस्ट मौजूद है इस ग्राउंड पर। कुछ ही देर में टॉस होगा, जो अंपायर है जब्बार भाई कॉइन यहाँ पर छुपाते हुए, यहाँ पर आसिफ भाई टॉस करेंगे, टब्बू खान साहब, आसिफ भाई कॉल किया है यहाँ पर टेल, जोहा 11 टॉस जीते हुए यहाँ पर उनका निर्णय सुनना चाहता हूँ। फील्डिंग करना चाहे, शायद इन्हें फील्डिंग करना चाहते हैं जोहा 11, और मैं रूल्स बोलता जाता हूँ इस मैच के। 8 ओवर का मैच होगा, एक बॉलर 2 ओवर डालेंगे, और वहाँ पर पीस से पहले बॉल गिरेगा तो डेड बॉल नहीं कुछ नहीं, बॉल काउंट किया जाएगा। अगर हाइट नो क्या भी आएगा तो बैट को बॉल लगा तो बॉल काउंट किया जाएगा, ऊपर से गया तो नो बॉल दिया जाएगा, नो बॉल को फ्री हिट रखा गया है। और बारिश आती है जहाँ भी मैच कंटिन्यू किया जाएगा कल, जहाँ भी रुका तो, और अंपायर डिसीजन फाइनल डिसीजन होगा, इसके रूल्स को फॉलो करना होगा आपको। एक ही बॉल दिया जाएगा, अगर वो बॉल फूटा तो जब भी चेंज किया जाएगा। आज इसके जो आपने फील्डिंग लिया है इसका निर्णय बोलिए आप। बैटिंग लाइन अच्छी है, बॉलिंग से अच्छी, इसके लिए टारगेट जो है टारगेट देख के हम बैटिंग करना इसके लिए हम, और खासकर कभी भी पीर बंगाली में टॉस जो भी जीतेगा तो चेजिंग ही करेंगे, ये सबको पता है मेरे भाई। और आप जो भी टॉस जीतेंगे आप क्या लेना चाहते थे आसिफ भाई? मैं भी फील्डिंग करना चाहता था अगर टॉस जीतता तो, क्योंकि प्लेयर्स अभी नए हैं पूरे, सब टीममेट्स हैं, अभी कॉम्बिनेशन देखना था पहले, सब लोग का कॉम्बिनेशन जमा नहीं है। पहला मैच हम लोग भी फील्डिंग ही करना चाह रहे थे, मगर अनलकीली हम टॉस हारे हैं, तो देखते हैं अभी बैटिंग का करके भी टीम को कैसा करते हैं प्लेयर्स। बहुत अच्छा आसिफ भाई, और दोनों कप्तान को मैं बेस्ट ऑफ लक कहता हूँ अपने मैच के लिए। का सामना करेंगे आमिर, बढ़िया बैटिंग करते हैं। हम सबको था भरोसा, एक ही मकसद एक इरादा, इंडिया तुझे है साथ हमारा। बताइए, और गुलबर्गा हेडलाइंस जो कि मशहूर हो रहा है, इंशाल्लाह इंटरनेशनल बनेगा चैनल,
खुद की दुआ है, गुजारिश है, तो ताकि सपोर्ट करें, हमको जो भी सपोर्ट करेगा वो ऊपर तक पहुंच जाएगा। GPL सीजन 3 का आगाज हो चुका है अभी। मैं बबलू भाई और उनकी टीम को मुबारकबाद देता हूं और पूरी टीम मेंबर्स को मुबारकबाद देता हूं कि वो अच्छा क्रिकेट खेले और सही क्रिकेट खेले। पूरे 8 टीम के कैप्टेंस को मुबारकबाद देता हूं, बेस्ट ऑफ लक, अच्छा क्रिकेट खेलें। अल्हम्दुलिल्लाह, जो लास्ट टाइम पे बबलू साहब ने GPL सीजन 3 का जो ऑर्गेनाइजेशन किया है उसका स्टार्ट हो चुका है। आज जो आटो टीम के कप्तान को और उनके ओनर्स को और उन्हीं के साथ बबलू विद ग्रुप के साथ मुबारकबाद देता हूं कि वो गुलबर्गे में जो अवेयरनेस ला रहे हैं यूथ में, हमेशा वो ऐसा बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें उन्हों। और मैं आटो कप्तान से और उनके ओनर से रिक्वेस्ट करता हूं कि मैच को डिसिप्लिन के साथ खेलें और आने वाले दिनों में GPL जो सीजन 3 है वो एक इतिहास में और गुलबर्गे की हिस्ट्री बने। गुलबर्गद ಏನೊಂದು ಗುಲ್ಬರ್ಗ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಲೀಗ್ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಬಬ್ಲು ಅವರಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಚಾನಲ್ ಮುಖಾಂತರ ಅವ್ರಿಗೆ ಶುಭ ಕೋರೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಜೊತೆಗೆ ಏನು 8 ಟೀಮ್ಗಳ ಒಂದು ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್, ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಆಟದ ಶಿಸ್ತು ಮತ್ತು ನಿಯಮ ಪಾಲಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಕ್ರೀಡೆ ಆಡಲಿ ಅನ್ನೋ ಅಂತ ಮಾತನ್ನು ಈ ವೇದಿಕೆ ಮುಖಾಂತರ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಈ GPL ಏನಿದೆ ಮುಂದೆ ಬರುವಂಥ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಕ್ರೀಡೆ ಆಗಲಿ ಅನ್ನೋ ಅಂತ ಮಾತನ್ನು ನಾನು ಹೇಳೋಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಎಲ್ಲ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳಿಗೆ ಶುಭ. ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಮ್ ಸಭಿ ಗುಲ್ಬರ್ಗೆ, ಮೈ ತಹೆ ದಿಲ್ ಸೆ ಶುಕ್ರಿಯಾ ಅದಾ ಕರ್ತಾ ಹೂಂ ಕಿ GPL ಸೀಸನ್ 3 ಹೈ ಔರ್ ಇಸ್ಕಾ ಪೂರಾ ಶ್ರೇಯ ಔರ್ ಹಕ್ ಜಾತಾ ಹೈ ಜನಾಬ್ ತಾಜುದ್ದೀನ್ ಪಟೇಲ್ ಸಾಹಬ್ ಜೋ ಹಮಾರೆ ಬಾರೇಲ್ಸ್ ಪರ್ ರಹತೆ ಹೈ. ತಾಜುದ್ದೀನ್ ಪಟೇಲ್ ಸಾಹಬ್ ಕಿ ಜಿತನಿ ತಾರೀಫ್ ಕರೂಂ ಉತ್ನಿ ಕಮ್ ಹೈ, ಹಮೇ ಕರೀಬನ್ ಹರ್ ಸಾಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕರ್ ರಹೆ ಹೈ, ಹರ್ ಸಾಲ್ ವೋ ಪ್ರೈಜ್ ದೇತೆ ಹೈ ಹಮಾರ್ಕೋ ವಿನ್ನರ್ ರನ್ನರ್ ಕಪೋಂ ಕೆ ಲಿಯೆ ಪೂರಾ ಗ್ರೌಂಡ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಕೆ ಲಿಯೆ ಜಿತನಿ ತಾರೀಫ್ ಕರೂಂ ಉತ್ನಿ ಕಮ್ ಯಹಾಂ ಪರ್ ತಾಜು ಭಾಯಿ ಕಿ. ತೋ ಮೈ ಸಭಿ ದರ್ಶಕೋ ಸೆ ಗುಜಾರಿಶ್ ಕರ್ತಾ ಹೂಂ ಕಿ ಫಿರ್ ಮಂಗಾಲಿ ಗ್ರೌಂಡ್ ಪರ್ ಆಜ್ ಸೆ ಟೂರ್ನಾಮೆಂಟ್ ಚಾಲು ಹೋ ಚುಕಾ ಹೈ, ತೋ ಸಬ್ ಲೋಗ್ ಇಸ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಕೋ ದೇಖ್ನೆ ಕೆ ಲಿಯೆ ಹಮ್ ಲೋಗೋ ಕೋ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕರೆ ಔರ್ ಇಸ್ಕಾ ಆಗಾಜ್ ಹೋ ಚುಕಾ ಹೈ. ತೋ ಹಮ್ ತಹೆ ದಿಲ್ ಸೆ ಔರ್ ಏಕ್ ಬಾರ್ ಬಬ್ಲು ಭಾಯಿ ಔರ್ ಉನ್ಕಿ ಟೀಮ್ ಕಾ ಆರ್ಗನೈಜರ್ ಉಸ್ಕಾ ಔರ್ ಪೂರೆ ಕ್ಯಾಪ್ಟನೋ ಕಾ ಜಿತನೆ ಭಿ ಓನರ್ಸ್ ಹೈ ಸಬ್ಕಾ ಹಮ್ ತಹೆ ದಿಲ್ ಸೆ ಶುಕ್ರಿಯಾ ಅದಾ ಕರ್ತೆ. ಫಿರ್ ಸೆ ಏಕ್ ಬಾರ್ ಬೋಲ್ನಾ ಚಾಹೂಂಗಾ ಮೈ ತಾಜು ಭಾಯಿ ಕೆ ಬಾರೇ ಮೇ, ಜಿತನಿ ತಾರೀಫ್ ಕರೂಂ ಉತ್ನಿ ಕಮ್ ಉನ್ಕಿ, ಕ್ಯೂಂಕಿ ಹರ್ ಸಾಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕರ್ತೆ ಹೈ ಹಮೇ. ತೋ ಹಮ್ ಯೇ ಭಿ ಇಲ್ತಜಾ ಕರ್ತೆ ಹೈ ಕಿ ಇಸಿ ತರಹ ಸೆ ಹಮೇ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕರೇ ಔರ್ ಹಮ್ ಅಚ್ಚಾ ಖಿಲಾನೆ ಕಿ ಕೋಶಿಶ್ ಕರೇಂಗೆ. ಅಲ್ಲಾ ಹಾಫಿಜ್. ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಮ್ ರಹಮತುಲ್ಲಾಹಿ ವಬರಕಾತುಹ್. यहाँ पे पीर बंगाली ग्राउंड पे GPL सीज़न 3 चल रहा है, चालू हो चुका है. मैं तमाम दर्शकों से गुजारिश करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा आके मैच का आनंद लें और हमारे बबलू सिकंदर साहब जो इस टूर्नामेंट को कामयाब करने के लिए बहुत दिन रात मेहनत करते हैं और हमारे स्पॉन्सर ताजू भाई जैसा हर साल जो ऐसा ना इसको स्पॉन्स करते हैं बहुत अच्छा लगता है. ऐसा जो ऐसा हर स्पॉन्सर आगे आके जो ऐसा अपना अपना स्पॉन्सरशिप अगर करेंगे तो अच्छे अच्छे टूर्नामेंट्स होते हैं गुलबर्गे में. ये हर साल GPL खिलाया जाता है, ये GPL सीजन 3 चल रहा है, ये देख सकते हैं आप. इसके हुनर है ताजू भाई, तार डेवलपर, उनकी जितनी भी तारीफ उतनी कम है. और ये पीर मंगाली ग्राउंड पे चल रहा है. वसीम भाई काफ़ी सपोर्ट कर रहे हैं हमारे को GPL सीजन 3 में और इसी तरह सपोर्ट करना होगा ये सीजन में हमारे को. ये चैनल के थ्रू हमारा GPL भी सक्सेस जाएगा, 4-5 जितने भी होंगे टूर्नामेंट वसीम भाई की बदौलत, इनके चैनल से बदौलत काफ़ी सपोर्ट मिलेगा हमारे को ऑडियंस का. और हमारे इस टूर्नामेंट में काफ़ी सपोर्ट करते हुए ताजुद्दीन पटेल, ताजुल के भी ओनर हैं
काफ़ी सपोर्ट करते हुए हर टूर्नामेंट उन्हें खिलाते हैं साल को साल, हर जी पी एल उनके तरफ से खेलते हैं, उनके उन्हें ही प्राइज देते हैं हमारे, हर चीज़ उन्हें ही करते हैं हमारे। ताजुद्दीन भाई की जितनी भी तारीफ करो उतनी कम है। आगे अगर अपडेट कुछ भी देखना रहा है तो गुलबर्गा हेडलाइंस पे देख सकते हैं आप। साथ में साथ करते रिपोर्ट की हाल बिहार।